इतनी सब विविधताओं से भरी हमारी ये प्यारी धरती आकाश से देखने पर और भी सुंदर लगती है। हमारी धरती हमारे सौर मंडल के तीसरे नंबर का ग्रह है, साथ ही ये इस ब्रह्मांड का अभी तक ये पहला ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन की संभावनाएं हैं, जीवन पनप रहा है, सदियों से था, सदियों तक रहेगा। इन्हीं सब विविधताओं से भरी ये धरती अपने अक्ष पर घूमती हुई 24 घंटे में दिन और रात बनाती है। प्रकृति ने इसे बड़ी ही खूबसूरती से बनाया है। ये अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, जिसके कारण यहाँ पर सर्दी गर्मी बरसात जैसे मौसम बनते रहते हैं। यहाँ का सघन वायुमंडल जिसमें प्राण वायु है हमारे जीने के लिए आवश्यक है। साथ ही ये पृथ्वी सूरज के चारों ओर अपना एक चक्कर 365 दिनों में कंप्लीट करती है, जिसके कारण यहाँ पर एक साल होता है। विविधताओं से भरी ये पृथ्वी क्या हमेशा से ही इतनी सुंदर रही थी? इस पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ, क्या हमेशा से मानव था या फिर अभी पिछले कुछ सालों से ही मानव है? इस धरती पर जीवन कैसे प्रारंभ हुआ? सबसे पहले जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? किस तरह के जीवन ने जन्म लेना शुरू किया? सबसे पहले प्राकृतिक वातावरण का निर्माण हुआ या फिर किसी जीव का? सवाल बहुत सारे हैं। इन सभी सवालों के जवाब हमेशा की तरह हमें उस जगह पर मिलेंगे जहां से इसकी शुरुआत हुई। शुरुआत में ना तो स्पेस था, ना ही टाइम, ना ही किसी प्रकार के कोई तारे थे, ना ही मिल्की वे जैसी गैलेक्सी और ना ही पृथ्वी जैसे कोई ग्रह है और ना ही हमारा चंद्रमा जैसा कोई उपग्रह था। कुछ नहीं था, ये सारा मैटर सिर्फ एक पॉइंट में समाया हुआ था जिसका आकार एक एटम से भी बहुत छोटा था। लेकिन पता नहीं अचानक किस कारण से इस छोटे से पॉइंट ने बढ़ना शुरू किया